रोमान्य तथ्य होने के साथ यह गर्व का विषय है कि अपने गठन के बाद से वर्तमान 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य ने देश के औद्योगिक मानचित्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। विभिन्न औद्योगिक नीतियों यथा 2001 से 6, 2004 से 9, 2009 से 14 और 2014 से 19 तथा वर्तमान की 2019 से 2024 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 से 19, ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012 से 17, सोलर पॉलिसी, ईवी पॉलिसी, आईटी समर्थित सेवाओं में निवेश नीति 2012 से 19 के नियोजित समयबद्ध तथा पारदर्शी क्रियान्वयन की अहम भूमिका छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास में रही है। नमस्कार, मैं हूं पारितोष जायसवाल। आप सभी का स्वागत है कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में, जहां हम आज बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018 तथा छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक्स के समक्ष चुनौतियों के बारे में। राज्य के औद्योगिक विकास के समानांतर वाणिज्यिक विकास भी आवश्यक है। जबकि औद्योगिक विकास के लिए आदर्श एवं बेहतर लॉजिस्टिक्स सुविधाएं होना मुख्य घटक है। राज्य में आदर्श मूल्यों पर भूमि की उपलब्धता, श्रम शांति, निर्बाध तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, स्थापना लागत में कमी, राज्य की भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीकृत स्थिति, संवेदनशील प्रशासन तथा खनिज बाहुल्य प्रदेश होने से निर्माण लागत में कमी आदि ऐसे बिंदु हैं जिनके समुचित उपयोग के लिए लॉजिस्टिक्स सुविधाएं होना अत्यंत जरूरी है। वाणिज्य विकास से निर्यात में भी वृद्धि होती है, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। छत्तीसगढ़ को अधिक से अधिक व्यापार और वाणिज्य का लाभ दिलवाने के लिए एक विस्तृत तथा सर्वमान्य लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता थी, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018 के माध्यम से पूरा किया गया। लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018 अपने साथ दो लक्ष्यों यथा औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से वाणिज्यिक विकास को सुनिश्चित करना है। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018 की अवधि कितनी है, इस नीति के उद्देश्य, रणनीति, नीति के तहत छूटों में क्या प्रावधान है, पार्क डेवलपर की क्या पात्रताएं हैं, स्थिति और व्यक्ति के चयन की क्या पात्रताएं हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को भी जानेंगे। इसके अलावा एक वृहद चर्चा होगी नीति के समक्ष चुनौतियों तथा छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए कौन से संभावित उपाय किए जा सकते हैं या किए जाने चाहिए, तथा अंत में एक सकारात्मक उपसंहार के साथ चर्चा को विराम देंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि लॉजिस्टिक्स क्या होता है। लॉजिस्टिक्स विभिन्न प्रक्रियाओं का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग, लेबलिंग, बिलिंग, शिपिंग, पेमेंट कलेक्शन, सामान की वापसी तथा एक्सचेंज सारी क्रियाएं शामिल होती हैं। लॉजिस्टिक्स को प्रदेशों, सड़कों, सड़कों की स्थिति इत्यादि के बारे में भी पूरी जानकारी होती है। सबसे पहले देखते हैं कि इस नीति की कार्यावधि कितनी है। छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018 की कार्यावधि 5 वर्षों की है तथा यह 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2023 तक के लिए है। अब देखते हैं कि प्रस्तुत नीति के उद्देश्य क्या है। 2018 की यह नीति रोजगार, निजी निवेश प्रोत्साहन सहित अन्य लाभों की भी चर्चा करती है, जो निम्न प्रकार से हैं। इस नीति यथा लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018 के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, राज्य को लॉजिस्टिक्स सेवा के क्षेत्र में विकसित करना तथा राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना। दूसरा, लॉजिस्टिक्स अधोसंरचना का आधुनिकीकरण एवं मशीनीकृत प्रक्रिया का उपयोग बढ़ाना। तीसरा, रोजगार के नए अवसरों का सृजन। चौथा, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। पांचवा, देश के प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूहों को राज्य की ओर आकर्षित करना। छठवां, व्यापार एवं वाणिज्य की लागत में कमी कर उपभोक्ता सामग्री के मूल्यों को कम करना। सातवां, राज्य में उपलब्ध मानव संसाधन का कुशलता से दोहन करना। आइए अब देखते हैं कि नीति की रणनीति क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य की विविधतापूर्ण भौगोलिक स्थिति, नक्सलवाद की समस्या, निजी क्षेत्र की अरुचि आदि चुनौतियों से निपटते हुए लॉजिस्टिक्स नीति 2018 में ऐसी रणनीति का प्रावधान किया गया है जो राज्य में लॉजिस्टिक्स नीति 2018 के उपयुक्त संचालन तथा क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। पहला, राज्य में बड़े आकार के लॉजिस्टिक्स पार्क उपयुक्त स्थानों पर निजी निवेश के माध्यम से स्थापित कराए जाएंगे। दूसरा, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे तथा पड़ोसी राज्यों की सीमाओं के समीप लॉजिस्टिक्स पार्क हेतु भूमि चिन्हित की जाएगी।
तीसरा, देश में लॉजिस्टिक्स से संबंधित बड़े समूहों को अभिरुचि प्रस्तावों के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा। चौथा, वाणिज्यिक लागत कम करने हेतु लॉजिस्टिक्स पार्क में नवीन तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। पांचवा, निजी क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना हेतु आवश्यकता अनुसार निजी भूमि का अर्जन किया जा सकेगा। छठवा, लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना हेतु आवश्यक क्लियरेंस सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से तय समय सीमा के भीतर दिए जाएंगे। सातवा, लॉजिस्टिक्स पार्क को उद्योग का दर्जा देते हुए आकर्षक निवेश प्रोत्साहित किए जाएंगे। आठवां, निवेश प्रोत्साहन औद्योगिक दृष्टि से विकासशील एवं पिछड़े क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत करके दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। राज्य में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने तथा निवेश को अधिक समय तक रोक कर रखने के लिए विभिन्न प्रकार की छूटों का प्रावधान लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018 में किया गया है। नवीन नीति के तहत पार्कों को दी जाने वाली छूटें, अनुदान तथा रियायतें निम्न प्रकार से हैं। पहला, ब्याज अनुदान। 15 से 40 एकड़ या 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर विकसित किए जाने वाले नवीन लॉजिस्टिक्स पार्क पर ब्याज अनुदान दिया जाना तय किया गया है। औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में 6 वर्षों तक कुल भुगतान का 50%, जो अधिकतम 60 लाख रुपए होगा, तथा औद्योगिक रूप से पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों में 7 सालों तक भुगतान किए गए ब्याज का 60%, जो अधिकतम 1 करोड़ हो सकता है, होगा। दूसरा, विद्युत शुल्क छूट। 15 से 40 एकड़ पर विकसित किए जाने वाले पार्क तथा 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किए जाने वाले पार्क पर विद्युत शुल्क छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियां प्रारंभ करने की दिनांक से 10 साल तक तथा विकासशील क्षेत्रों में 8 वर्षों तक पूर्ण छूट दिए जाने का प्रावधान है। तीसरा, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान। राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक्स पार्कों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए किए गए व्यय का 60%, अधिकतम 1.5 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर दी जाएगी। चौथा, तकनीकी पेटेंट अनुदान। राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक्स पार्कों को उनके मूल कार्य अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत या स्वीकृत पेटेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाना तय किया गया है। प्रत्येक पेटेंट हेतु दिए गए व्यय का 60%, अधिकतम 6 लाख रुपए प्रदान किया जाना तय किया गया है। पांचवा, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान। राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक्स पार्कों को इस योजना के अंतर्गत व्यय किए गए भुगतान का 60%, अधिकतम 6 लाख रुपए का अनुदान दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। छठवा, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान। 15 से 40 एकड़ के लॉजिस्टिक्स पार्क जो विकासशील क्षेत्रों में स्थापित होंगे को निवेश का 35%, अधिकतम 10 करोड़, 40 एकड़ से अधिक के लिए निवेश का 35%, अधिकतम 12.5 करोड़ का अनुदान मिलेगा, जबकि पिछड़े क्षेत्रों में यही अनुदान क्रमशः 40%, 12.5 करोड़ तथा 40%, अधिकतम 15 करोड़ सुनिश्चित किया गया है। सातवां, वाहन पंजीयन शुल्क में छूट। अधिकतम 50 वाहन जिसकी क्षमता 9 मीट्रिक टन से अधिक की हो को पंजीयन शुल्क में 50% छूट दी जाएगी। जहां एक ओर सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में विकास के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदानों तथा रियायतों की घोषणा की गई है, वहीं लॉजिस्टिक्स पार्क के डेवलपर के दायित्व भी तय किए गए हैं। लॉजिस्टिक्स पार्क के डेवलपर के दायित्व निम्न प्रकार से निर्धारित किए गए हैं। पहला, न्यूनतम 15 एकड़ भूमि का वैध आधिपत्य होना चाहिए। दूसरा, डेवलपर को लॉजिस्टिक्स पार्क के संचालन या संधारण न्यूनतम 10 वर्षों तक स्वयं करना होगा। तीसरा, निर्धारित अवधि में पार्क स्थापित न हो पाने की स्थिति में दिए गए अनुदान की वसूली भू राजस्व के माध्यम से की जाएगी। चौथा, डेवलपर को राज्य शासन की स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार की शर्त का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। पांचवा, स्वीकृत आदेश जारी होने के 30 माह के भीतर पार्क की स्थापना करना आवश्यक है। उपर्युक्त नीति, स्थिति तथा व्यक्ति के चयन के लिए प्रक्रिया का भी निर्धारण इस नीति के तहत किया गया है। राज्य में उपयुक्त स्थानों पर नवीन लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना हेतु पात्र अभिरुचि प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्ताव किया जाना तय किया गया है। चयनित पार्कों को प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर नीति में घोषित अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी।
तथा एक जिले में एक ही पार्क की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार पात्रों का चयन एक राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें उद्योग आयुक्त या संचालक उद्योग अध्यक्ष तथा उद्योग संचालनालय के अपर संचालक इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। संबंधित जिले के कलेक्टर, पर्यावरण मंडल के सचिव, CSPDCL के प्रबंध संचालक, CSIDC के प्रबंध संचालक तथा जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता समिति के अन्य सदस्य होंगे। राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के पश्चात चयनित पार्कों का पंजीयन एवं उसके क्रियान्वयन की समीक्षा संचालन या उद्योग आयुक्त द्वारा की जाएगी तथा अंत में आवश्यकता अनुसार MOU की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। आइए अब देखते हैं कि नीति में कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2018 के अंतर्गत कुल 25 परिभाषाएं दी गई हैं, जो इस नीति को समझने तथा इसके विभिन्न आयामों को आत्मसात करने के लिए आवश्यक हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखते हैं। पहला, नियत दिनांक। नीति प्रभावी होने की तारीख अर्थात 1 अप्रैल 2018। दूसरा, लॉजिस्टिक्स पार्क। लॉजिस्टिक्स पार्क से आशय देश विदेश या राज्यों की वस्तुओं और उत्पादों का उद्गम से अंतिम गंतव्य के बीच सुव्यवस्थित व संरक्षित तथा मशीनीकृत व्यवस्थापन सेवाएं उपलब्ध कराना। पार्क में फ्रेट एग्रीगेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, वैल्यू एडेड सेवाएं आदि शामिल हैं। तीसरा, वेयरहाउस। वेयरहाउस से आशय है 50,000 मेट्रिक टन कुल क्षमता के शेड युक्त वेयरहाउस, जिसमें कृषि, खाद्य, मेडिसिन, इलेक्ट्रिकल या अन्य उत्पाद आदि का संग्रहण किया जाता हो। चौथा, भूमि विकास। भूमि विकास से आशय समतलीकरण, समतलीकरण, गहरीकरण, बाउंड्री वॉल का निर्माण इत्यादि है। इस मद में अधोसंरचना लागत का अधिकतम 5% राशि सात है। पांचवा, लॉजिस्टिक्स अधोसंरचना। लॉजिस्टिक्स अधोसंरचना से आशय है माल परिवहनों, ट्रक, डोजर इत्यादि अस्थायी भंडारण क्षेत्र, शेड युक्त वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एरिया टेस्टिंग लैब, असेंबली लाइन इत्यादि। छठवां, आधारभूत अधोसंरचना से आशय है ATM, पोस्ट ऑफिस, पुलिस चौकी, कैंटीन, ट्रेनिंग सेंटर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, वृक्षारोपण तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं। सातवां, राज्य के मूल निवासी। राज्य शासन द्वारा समय समय पर राज्य के मूल निवासी के रूप में परिभाषित किए गए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित लोग। आठवां, कार्य निष्पादन चरण। कार्य निष्पादन चरण से आशय है पार्क डेवलपर द्वारा प्रस्तावित परियोजना में प्रस्तावित क्षमता अनुसार कार्य स्तर को परियोजना पूर्ण होने पर चरणबद्ध रूप से प्राप्त करना, जो तृतीय वर्ष 20%, चौथे वर्ष 40, पांचवें वर्ष 50 तथा छठे वर्ष 80% है। आइए अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018 के समक्ष कौन सी चुनौतियां उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2018 राज्य में लॉजिस्टिक्स के सुचारू संचालन तथा राज्य में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करते हुए रोजगार में वृद्धि करना है। यह बात देखना समीचीन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लॉजिस्टिक्स के समक्ष वर्तमान में कौन सी चुनौतियां हैं। पहला, सड़क परिवहन पर अधिकतम निर्भरता, सड़कों की खराब स्थिति तथा क्वालिटी, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में टूट फूट तथा अनेक स्टैक होल्डर्स की मौजूदगी की वजह से लॉजिस्टिक्स की लागत बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, कृषि क्षेत्र में निम्न मूल्य या बल्क आइटम्स के लिए लॉजिस्टिक्स की लागत अधिक है। तीसरा, ईंधन लागत में वृद्धि, किसी प्राकृतिक स्रोत का ना होना तथा समुद्री सीमा से दूरी के कारण ईंधन की कीमत बढ़ जाती है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि परिवहन लागत में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इससे माल ढुलाई शुल्क में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप लाभ में कमी आ जाती है। चौथा, वैश्विक दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा, फ्री वन डे डिलीवरी जैसी लुभावन योजनाओं के साथ बिग जायंट्स मैदान में हैं, जो स्थानीय सुविधा प्रदाताओं को हतोत्साहित करते हैं। पांचवा, उचित भंडारण सुविधाओं का अभाव, छत्तीसगढ़ में उचित भंडारण सुविधाओं का अभाव है। बड़े गोदामों का उपयोग अनाज भंडारण के लिए ही किया जाता है, जिससे अन्य लॉजिस्टिक्स को घाटा उठाना पड़ता है। छठवां, उच्च तकनीक अपनाने में देरी, छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक्स कंपनियां लागत को कम करने के लिए तकनीक का समय पर उपयोग सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं। इस दृष्टिकोण से दीर्घकाल में
कंपनियों को अधिक नुकसान उठाना पड़ जाता है। सातवां, कुशल श्रमिकों तथा विशेषज्ञों का अभाव। छत्तीसगढ़ के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कुशल कर्मियों और विशेषज्ञों का अत्यधिक अभाव है। लागत कम करने के लिए कंपनियां प्रशिक्षण से भी समझौता कर लेती हैं, जिसके कारण कंपनियों का प्रदर्शन निम्न हो जाता है। आठवां, बंदरगाह तथा पोत परिवहन की अनुपस्थिति। छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक्ड प्रदेश है, जिसकी वजह से बंदरगाह तथा पोत परिवहन की सुविधा छत्तीसगढ़ को प्राप्त नहीं होती है। परिवहन का सबसे सस्ता मार्ग पोत परिवहन को ही माना गया है। नौवां, रेल टैरिफ। भारतीय रेलवे के साथ छत्तीसगढ़ में भी रेलवे नेटवर्क की समस्या से ग्रस्त है। बाढ़ अथवा नक्सली समस्या जैसे कारणों से भी रेल सेवाओं को रद्द करने के कारण लॉजिस्टिक्स कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दसवां, नक्सलगढ़ के रूप में छत्तीसगढ़ की छवि आज भी निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पा रही है। ग्यारहवां, उच्च ऑर्डर गहनता अनुपात, जिससे संसाधनों की कमी के चलते आपूर्ति समयबद्ध तरीके से नहीं हो पाती। आइए अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के कौन से संभावित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, रोबोटिक्स तथा अन्य तकनीकों के प्रयोग से बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, चालक रहित मशीनों, वाहनों, वियरेबल इंस्ट्रूमेंट्स, वेयरहाउस स्टैकिंग, डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन तथा अन्य एंड टू एंड स्मार्ट लॉजिस्टिक्स समाधानों का लाभ उठाया जाना चाहिए। तीसरा, भारत सरकार से विनिर्दिष्ट बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट की अनुमति की जरूरत है। चौथा, पैकेजिंग उद्योग को गोदामों में अधिक कुशल भंडारण, परिवहन, त्वरित बदलाव के मानकीकरण के साथ आधुनिकीकरण को अपनाना होगा। पांचवा, राज्य तथा केंद्रीय कर व्यवस्था को आसान बनाया जाना चाहिए। छठवां, परिवहन में कुशलता के लिए इंटरमॉडल स्टेशन, उच्च घनत्व के एकीकृत संपर्क जाल, रेल तथा सड़क गलियारों का विकास, उत्पादन तथा वितरण केंद्रों के मध्य संपर्क विस्तारीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सातवां, वैक्सीन यथा फार्मा उत्पादों के लिए एकीकृत कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में उच्च प्रौद्योगिकी, विशेषीकृत वेयर हाउसिंग और स्टोरेज हब के प्रयोग से दक्षता में सुधार संभावित है। आठवां, किसान रेल सेवा, अंतरदेशीय जल मार्ग, कृषि उड़ान योजना जैसी पहलों से दूर दराज के क्षेत्र लाभान्वित होंगे तथा शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं जैसे मछली, दूध आदि भी सुरक्षित रह सकेंगी। नौवां, सड़क किनारे भू अर्जन तथा वन क्षेत्रों में अनुमति को आसान किया जाना चाहिए। दसवां, रेलवे के माल परिवहन शुल्क में युक्तिसंगत वृद्धि होनी चाहिए। बाढ़ जैसी समस्या का सामना करने वाले क्षेत्रों में रेलवे को विशिष्ट नीति अपनानी चाहिए। ग्यारहवां, छत्तीसगढ़ की छवि को सुधारने के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। बारहवां, सरकारी तथा निजी संस्थानों को निरंतर कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की भी आवश्यकता है। कारोबारिक क्षेत्रों के साथ साथ नागरिकों के लिए सुगमता और सशक्तिकरण के लिहाज से लॉजिस्टिक्स सेवाओं की कुशलता महत्व रखती है। 2022 की लीड्स रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को एस्पायर कैटेगरी में रखा गया है, जहां लॉजिस्टिक्स ग्राहकों या निगमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन तथा उपभोग बिंदु के मध्य वस्तुओं के प्रवाह का प्रबंधन है। वहीं सूचना के प्रवाह, पदार्थों के रखरखाव, उत्पादन, पैकेजिंग, परिवहन, गोदाम तथा सुरक्षा का एकीकरण भी सम्मिलित करता है। छत्तीसगढ़ जैसा नवोदित राज्य विभिन्न चुनौतियों से पार पाता हुआ औद्योगिकीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। खनिजों के उचित दोहन, लोगों की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव तथा देश की प्रगति में सहायक होने के लिए छत्तीसगढ़ की लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन हौसले उससे भी बड़े हैं। धन्यवाद।